Hi guys, good evening. Welcome back to a very important quiz like we did yesterday. So I'm going to do a very important quiz karenge fir se aaj, and I'll quiz you guys on some very important static GK questions particularly. Good evening all of you. Very good evening. Good to see you all here. So I hope all of you are doing well. Good evening, guys. Very good evening. So, सबको साइन करने देते हैं, है ना? And then let's start with this quickly. Let's wait for a couple of minutes. Let people join in. फिर हम उसको start करेंगे. Right. Good evening, all of you. Good to see you all here. Good evening. मॉक एनालिसिस के लिए मैंने वीडियो बना रखा है कि किस तरह से करना है. प्रिपेयर्ड लाइक प्रॉपर वीडियोज की आप क्या क्या कर सकते हो मॉक एनालिसिस में, क्या क्या चीजें करनी जरूरी हैं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स, व्हाट कैन यू राइट, हाउ कैन यू बेसिकली प्रिपेयर योर एनालिसिस की एक अलग से नोटबुक, वो सब डिस्कस किया है. Good evening, everybody. Very good evening, guys. YouTube pe. Right. चलो यार, start करते हैं फिर. Let's quickly begin with this. Hello, good evening, guys. तो एज यूजुअल कल की तरह आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम एक सेकंड. सो आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस इन द स्टैटिक जीके पार्ट. ठीक है, आई विल बी आस्किंग यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो देखते हैं आप लोग कितने आंसर कर पाते हो. इनकेस अगर आप कुछ क्वेश्चंस के लिए ऑब्वियसली आंसर नहीं कर पाओगे ना, तो उसको लिख लेना. जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते, राइट देम डाउन, ताकि आपका एक खुद का क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए. So quickly briefing you through this, first of all, we are celebrating the Unacademy toppers for CLAT 23. So Sahil Gupta, who was all in their rank 2, we are giving them the 10 times of what he has paid as an Academy's fees. All India 96, Komal Gadwal will also get some cash rewards. So you guys can all become a part of this also. I think this is a good way to study. Ki aap log pad sakte ho, if you get a good rank next year, then you can definitely get your money back at least, if nothing else. है ना, तो साहिल फर्स्ट ईयर कॉलेज फीस बेसिकली लाइक मोर और लेस दैट अमाउंट विल बी एक तरह से अकेडमी विल बी रिइंबर्सिंग दैट. उसके अलावा देयर इज अ 20% ऑफ गोइंग ऑन राइट नाउ. यू कैन यूज माय कोड मालपानी टू गेट 20% ऑफ. ठीक है, 28th जनवरी तक चल रहा है ये. आप इसको 20% ऑफ ले सकते हो यूजिंग द कोड मालपानी ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शंस. सो अकेडमी हैज टू सब्सक्रिप्शंस, वन इज आइकॉनिक. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस. ठीक है, सारी क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाता है. यू गेट एक्सेस टू फिजिकल नोट जो अनअकैडमी आपके घर पे भेज देगा. एंड थर्डली यू गेट एक्सेस टू अ मेंटर जो आपको गाइड करते रहेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. ठीक है, एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है. प्लस सब्सक्रिप्शन इज बेसिकली वेयर यू गेट एक्सेस टू ऑल द क्लासेस. इसमें आपको सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है. तो दोनों में मतलब जो भी आपको अपने लिए कन्वीनियंट और जो बेटर लगता है आपको, वो आप ले सकते हो. टेक अ 20% ऑफ, स्टार्ट अ प्रिपरेशन राइट अवे, बिकॉज 27 से एक नया बैच भी शुरू करेंगे. उसको ज्वाइन कर सकते हो जनवरी 27 से. एलिट क्लैट 2024 के लिए बैच रहेगा. मालपानी मेरा कोड है, 20% ऑफ आपको मिल जाएगा ऑन दिस पर्टिकुलर बैच. ठीक है, यू गेट 20% ऑफ. इस पर्टिकुलर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. आई विल बी टेकिंग करंट अफेयर्स हियर एज़ वेल. तो आप आ सकते हो इस बैच में. एलएलबी ड्रीम एक और बैच है. अगर आप 3 ईयर एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं 21st से ये बैच स्टार्ट हुआ है. सो कोड रिमेन्स द सेम, मतलब 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगेगा वो ले सकते हो. एंड दिस इज अ 24 मंथ बैच विच इज क्लैट 25 के लिए जो बैच है इज लीगल है, 13 से स्टार्ट हुआ है, अभी भी ज्वाइन कर सकते हो उसको. मालपानी कोड रहेगा इसका, इसमें आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, यू विल गेट 20% ऑफ इन दिस. तो ये दिसंबर 24 में जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए है, तो आप डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हो. तो एंड दोज़ हू आर जॉइनिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज केशव मालपानी. आई ग्रेजुएटेड इन 2020 फ्रॉम एनएलयू जोधपुर. प्रेजेंटली ऑन अकेडमी आई एम टेकिंग लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स फॉर यू गाइस. सो आई विल बी टेकिंग मैथ्स ऑल्सो क्वाइट सून, तो आप लोग उसका भी पार्ट बन सकते हो. आपको 20% ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल कोर्सेज यूजिंग कोड मालपानी. यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन विद मी इफ यू लाइक माय स्टाइल ऑफ टीचिंग. चलो स्टार्टिंग विद द क्विज नाउ. अगेन अ वेरी सिंपल गाइडलाइन जो मैं हमेशा बताता हूँ, प्लीज ओनली आंसर इन द पोल, डोंट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. अपने ऑप्शन नंबर या आंसर का मतलब जो भी उसमें दे रखा ऑप्शन वो मत लिखना. मैं आपको पोल दूंगा और क्वेश्चन के लिए, सिर्फ उसी में आंसर करना. चलो लेट्स स्टार्ट दिस. हु इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? भारत रत्न के अभी तक यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन रहे हैं? So the youngest recipient of Bharat Ratna so far in India is Sachin Tendulkar. So Sachin Tendulkar got Bharat Ratna in 2014. He was 40 years old at that time. Okay, when he got it, he was 40 years old. So he is the youngest recipient of Bharat Ratna. Ke. Vijay Hazare Trophy is associated with which sport? कौन से स्पोर्ट्स एसोसिएटेड विजय हजारे ट्रॉफी? विजय हजारे ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सो इट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट. ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट के लिए होती है, अभी रिसेंटली भी हुई थी. ठीक है, इट्स एसोसिएटेड विद क्रिकेट. Where is the headquarters of UNEP located? United Nation Environment Program. मेरे को बस एक सेकंड दे. UNEP is United Nation Environment Program. ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो नैरोबी में है, विच इज द कैपिटल ऑफ केन्या. ठीक है, केन्या का कैपिटल है नैरोबी. वहां का यूएन, तो UNEP इज वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जनरली जो यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके हेडक्वार्टर्स या तो न्यूयॉर्क में है जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर यूरोप में है. ठीक है, या फिर यूरोप में जिनेवा में, पेरिस में, इधर उधर है. नैरोबी केन्या में सिर्फ एक ही यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? So capital of Australia is Canberra. ठीक है, capital of Australia is Canberra. In which year did India become a part of the UNO? United Nation Organization का कौन से साल में हम लोग पार्ट बने थे? In which year did we become a part of the United Nation Organization? India became a part of the United Nations Organization in 1945. UNO bana kab tha? When was it established? So it was established in 1945 itself. So jo Second World War tha na, wo 1939 se 45 hua tha. Uske baad mein UNO aaya tha. So India is the founding member.
इंडिया फाउंडिंग मेंबर ही है। ल्यूकेमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू व्हाट? ल्यूकेमिया किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डिजीज है? तो ल्यूकेमिया का यू कुड से नॉर्मल इंग्लिश मतलब इज ब्लड कैंसर, है ना? तो इट्स रिलेटेड टू ब्लड। तो जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो ल्यूकेमिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? सो लाइट ईयर हम जनरली जब ऐसे डिस्टेंसेस देखते हैं ना कि भाई अर्थ से मून कितना दूर है, अर्थ से सन कितना दूर है, तो फिर हम लाइट ईयर में डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना? तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहां पर है? वेयर इज द सीट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? Where is the seat of the International Criminal Court located? So the seat of International Criminal Court is located at The Hague. ठीक है, The Hague is in Netherlands. या फिर उसको हॉलैंड भी बोलते हैं कई लोग। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स किधर है? वेर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स आर इन दिस सिटी कॉल्ड ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, तो उसके हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम में। ओके, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स है। कल हमने मास्ट्रिस्ट ट्रीटी वाला पढ़ा था ना कि मास्ट्रिस्ट ट्रीटी से यूरोपियन यूनियन आया था, तो उसके जो हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश किए थे वो बेल्जियम में किए थे। सर, नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। His initial goal was to create wheat to adapt to the climate of where? कहाँ के क्लाइमेट को अडेप्ट करने के लिए was he trying to create wheat? तो अगर आप देखोगे कि इंडिया के जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, दैट इज एम एस स्वामीनाथन, लेकिन जो एक्चुअल जो मतलब बोला जाता है जिनको इनसे भी पहले, दैट वॉज नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इज एन अमेरिकन एग्रोनोमिस्ट। तो ये मेक्सिको में देख रहे थे कि मेक्सिको में क्या मतलब वीट कैसे ज्यादा ग्रो की जा सकती है, उनके क्लाइमेट में हम कैसे इसको बेटर ग्रो कर सकते हैं। फीचर ब्लूटूथ इज वेरी कॉमन इन मोबाइल फोन्स, गेट इट्स नेम फ्रॉम व्हाट? ब्लूटूथ का नाम कहां से आया है? तो जो ये क्लैट का क्वेश्चन है, पता है 2013 में कभी या 2012 में कभी पूछा गया था क्लैट में। तो ब्लूटूथ का एक ब्लूटूथ नाम के राजा थे एक्चुअली। ठीक है, ये वाज मतलब डेनमार्क के 10th सेंचुरी में किंग थे, उनका नाम ब्लूटूथ था, मतलब उनका एक निकनेम ब्लूटूथ था। ठीक है, तो वहां से आया ये ब्लूटूथ। Which pair of states do not touch each other? कौन सा इसमें से पैर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं?
at all. सो मेघालय और मणिपुर टच नहीं करते, ठीक है. मेघालय टचेज असम, मेघालय टचेज अदर स्टेट्स ऑल्सो, आई थिंक इट टचेज नागालैंड ऑल्सो टू सम एक्सटेंट. मणिपुर को टच नहीं करता, मणिपुर और नागालैंड बाउंड्री शेयर करते हैं. नहीं नहीं जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश करता है. पंजाब और जम्मू कश्मीर करता है ना, तो पंजाब से हिमाचल प्रदेश निकला है. इनफैक्ट पंजाब की नॉर्दर्न साइड में हिमाचल प्रदेश है, तो वो डेफिनेटली करता ही करता है. आज हमने किया था भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड इन आर कंट्री वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स. आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सेम, हाँ सेम ही है, क्या कर सकते हैं, नाम ही इनके जैसे हैं. भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड इन आर कंट्री वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर. तो They were instituted in 1954, ठीक है. भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स इनको 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था सारे अवार्ड्स को. कौन सी सिटी का पहले नाम न्यू एम्स्टरडैम था? Which city was earlier called New Amsterdam? तो पहले न्यूयॉर्क सिटी को न्यू एम्स्टरडैम बोलते थे. न्यूयॉर्क सिटी वॉज अर्लियर कॉल्ड एज न्यू एम्स्टरडैम, ठीक है. ग्रांट ऑफ दिवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा. तो दिवानी वॉज बेसिकली अ टैक्स दैट वॉज इम्पोज इन दीज एरियाज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स. कौन से रूलर्स एसोसिएटेड है? तो ही वॉज वन ऑफ द मुगल एम्परर्स, ऑल्दो मुगल उस टाइम पर काफी ज्यादा वीक हो गए थे. तो शाह आलम टू है ना, शाह आलम टू के टाइम की बात है ये. वॉज वन ऑफ द मुगल एम्परर्स, इनफैक्ट आई थिंक ही वॉज द काफी आगे जाकर बने थे मुगल. मुगल्स तो मेजर वो छह ही फेमस है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब. छह मुगल्स ही बहुत ज्यादा फेमस है. उसके बाद में मुगल डायनेस्टी का फिर डिक्लाइन शुरू हो गया. कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म दैट इज बेसिकली दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. ठीक है, तो कुचिपुड़ी इज आंध्र प्रदेश. एक और डांस फॉर्म होता है कथकली, वो कहां से? कथकली कौन से स्टेट का है? कथकली इज केरला. एंड व्हाट अबाउट भरतनाट्यम? भरतनाट्यम कहां का है? कर्नाटका या तमिलनाडु? एक ऑप्शन में दिख गया तो बस बोल दिया. इट्स तमिलनाडु, ठीक है. भरतनाट्यम इज तमिलनाडु. भरतनाट्यम इज तमिलनाडु. ओके, कथकली इज केरला, कुचिपुड़ी इज आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम इज तमिलनाडु. याद रखना है. तो आपने कभी देखा होगा एक रोम में बहुत फेमस बिल्डिंग है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा. वो हल्का सा टेढ़ा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द लीनिंग टावर. So why does it not fall?
गिरता क्यों नहीं है? तो इट्स अ लॉट ऑफ साइंस, ठीक है, बट जो इसका वर्टिकल लाइन है दिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस. तो आई मीन मोस्ट ऑफ अस वोंट अंडरस्टैंड दिस, बट ये क्लैट 23 में 2013 में पूछा गया था. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन क्लैट 2013. हु वाज द लास्ट ब्रिटिश एम्परर ऑफ इंडिया? लास्ट ब्रिटिश एम्परर कौन थे इंडिया के? सो दी लास्ट ब्रिटिश एम्परर वॉज किंग जॉर्ज सिक्स. किंग जॉर्ज सिक्स वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. ओके, किंग जॉर्ज सिक्स, सॉरी मुगल नहीं, ब्रिटिश एम्परर, ठीक है. लास्ट लास्ट ब्रिटिश एम्परर वॉज किंग जॉर्ज सिक्स. तो अलग अलग आपने एज पढ़ी होंगी ना, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? सो पैलियोलिथिक एज इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज द पैलियोलिथिक एज, राइट? ओल्ड स्टोन एज. एंड विच ईयर वॉज इंडियन कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली? कैलकटा से दिल्ली कब ट्रांसफर हुआ था कैपिटल हमारा? सो द इंडियन कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली इन 1911, ठीक है. 1911 में कैलकटा से हमारा जो पहले कैपिटल होता था हमारा वो दिल्ली बन गया था. तो एक शाका एरा था, ठीक है. तो हु वाज द फर्स्ट शाका किंग? फर्स्ट शाका किंग कौन थे? फर्स्ट शाका किंग इन इंडिया वॉज मॉयस. मॉयस नाम था उनका, मॉयस नाम के किंग थे. तो इन विच ईयर वॉज डीआरडीओ फॉर्मड बाय द अमालगेमेशन ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टरेट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन? कौन से साल में बना था वो? So it's 1958. It's 1958. ठीक है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ 1958. जब निकल किया था. हु फाउंडेड द रेड क्रॉस? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस इज फाउंड बाय ऑनरी डूनार्ट. इन विच ईयर वॉज द आरबीआई एस्टैब्लिश्ड?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, ठीक है, 1935 में एस्टैब्लिश किया किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समटाइम शोन विद हैंड जेस्टर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा, व्हाट डज इट सिग्निफाई? आपको पता है मारा कौन है? हु इज मारा? कॉलिंग ऑफ अर्थ ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग इज मेडिटेशन। तो मारा ना एक तरह से उस टाइम का आप कोई राक्षस मान सकते हो, एक तरह से जो बुद्धा को डिड नॉट वांट टू मेडिटेट, लाइक कि वो मेडिटेट करें प्रॉपरली, राइट? एंड सेकेंड इज बेसिकली वो अर्थ को चाहते थे कि वो देखें कि डिस्पाइट मारा उनको इतना परेशान, जो कि दिस पर्सन इज क्रिएटिंग सो मच ट्रबल, प्योर इट ही स्टिल प्योर एंड वेरी चेस्टाइट, मतलब बेसिकली स्टिल कमिटेड टू व्हाट इज ट्राइंग टू डू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वाज मोस्टली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? कौन सी स्क्रिप्ट थी उसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था? सो एक ना एक अरेबिक स्क्रिप्ट होती है खरोष्टी, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एन अरेबिक स्क्रिप्ट जिसको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन अ फैक्ट्री गिवन परमिशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री? तो जहांगीर ने परमिशन दी थी, जहांगीर गेव दी परमिशन इन 1608 टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1615 में अपनी पहली फैक्ट्री में एस्टैब्लिश की थी। कहां पर की थी? इंडिया में। सूरत में, ठीक है, सूरत इन गुजरात, उस टाइम वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे उसको, यहां पर की थी, नहीं मसूलीपट्टनम में सेकंड की थी। तो पहली 1615 में की थी, दूसरी 1616 में की थी। तो 1616 में जो की थी वो मसूलीपट्टनम में थी, पहली वाली सूरत में की थी। फर्स्ट ट्रांसलेटेड भागवत गीता गीता इनटू इंग्लिश। ठीक है, पहली बार भागवत गीता को चार्ल्स विल्किंस ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ये ट्रांसलेट भागवत गीता फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश 1613 बुक में लिखा है। कौन सी बुक में लिखा है? हु वाज द फर्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया? वापस चेक करो एक बार। फर्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज एम सी सेतलवाड, ओके, एम सी सेतलवाड वॉज दी फर्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1930
started from where? सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहां से स्टार्ट हुआ था ना, तो गांधी जी डिड एन अ वेरी फेमस दांडी मार्च. ठीक है, दांडी मार्च उन्होंने किया था. तो ही वेंट फ्रॉम साबरमती, उनके अपने साबरमती के आश्रम से, टू दिस प्लेस इन गुजरात कॉल्ड दांडी. ठीक है, और वहां पर उन्होंने जाके सॉल्ट लॉ तोड़ा था. दांडी में जाके उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस था, उन्होंने वहां पर जाके सॉल्ट लॉ तोड़ा था और वहां से शुरू हुआ था. ठीक है, वहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जब उन्होंने वो सॉल्ट लॉ को तोड़ा था. उससे पहले स्टार्ट नहीं हुआ था. तो इससे साबरमती आंसर नहीं है, द आंसर इज डांडी. डांडी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था डांडी में. पढ़ो यार, ध्यान से पढ़ो चीजों को. विच प्लैनेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स? जुपिटर में सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, बताओ कितनी है? हाउ मेनी सैटेलाइट डज इट डज जुपिटर है? और भी ज्यादा है, बताओ कितनी है? रफ गेस. तो जुपिटर हैज टोटली 80 सैटेलाइट्स. ठीक है, 80 सैटेलाइट्स. हाँ, 80 के आसपास नेचुरल सैटेलाइट्स है. अर्थ के पास कितनी है? We only have one, which is the moon. एक है हमारे पास. Saturn के पास 83 है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. देखो मैं चेक कर लेता हूं आपके सामने. एक्चुअली सैटर्न के पास 83 है, राइट. करेक्ट. जुपिटर भी चेक कर लेता हूं, चलो एक बार. एक्चुअली जुपिटर के पास 84 है. अगर आप ध्यान से इसको एक बार प्रॉपरली अच्छे से गूगल करोगे ना, जुपिटर के पास 84 है, सैटर्न के पास 83 है. जुपिटर इज 84 नॉट 80. इन इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स अकाउंट इन ऑल नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स इज फिक्स्ड बाय होम. कौन फिक्स करता है नेशनलाइज्ड बैंक्स के, कमर्शियल बैंक के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट? सो दोज इंटरेस्ट रेट्स आर फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नन ऑफ द अबव आंसर इज का. इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Solvents are substances used to dissolve other substances. Consider the following substances. Which of them are solvents? इनमें से क्या क्या solvents हैं? तो उसमें D is a solvent. I mean, all of them are solvents. Okay, water, ether, toluene, chloroform, and ethanol. सारे के सारे. And all of them are solvents. The CLAT के question है.
Viruses are parasitic, having DNA or RNA, but they can be crystallized and lack respiration. Therefore, they can be treated as what? So they have RNA, DNA, वगैरह जो हमारे होते हैं, but they can be crystallized and lack respiration. So they are both living and non-living beings. ठीक है, viruses are both living and non-living beings. इंडिया का जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था वॉज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स. फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन दी हेरोड डोमार मॉडल. ठीक है, हेरोड डोमार मॉडल बोलते हैं इसको. और पीसी मालानोबिस मॉडल वॉज द सेकेंड फाइव ईयर प्लान. ठीक है, सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज द पीसी मालानोबिस मॉडल. पहला जो फाइव ईयर प्लान था वो हेरोड डोमार मॉडल. ये फाइव ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट कहां से लिया है हमने? वेयर हैव वी गॉटन दिस कॉन्सेप्ट फाइव ईयर प्लान फ्रॉम? गुड, वी हैव टेकन दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम रशिया. हाँ, यूएसएसआर बोल सकते हो उस टाइम का, यूएसएसआर. करेक्ट. सही क्रोनोलॉजी में बताना है कि ये सब ट्रैवलर्स इंडिया में कब आए. तो सबसे यू हैव टू टेल देम कि मतलब इस ऑर्डर में बताना है कि सबसे पहले कौन आया और सबके बाद कौन आया, है ना? तो सबसे पहले मेगास्थेनीज आए थे, कुछ एकदम बहुत ही पुराना, कुछ 300 समथिंग बीसी. ठीक है, मेगास्थेनीज के बाद में फाहियान अ चाइनीज ट्रेवलर, देन केम हियान सोंग अनदर चाइनीज ट्रेवलर, एंड अनदर चाइनीज ट्रेवलर रिजिंग या ईद सिंह बोल लो. Which was the first newspaper published in India? First newspaper to be published in India. First newspaper to be published in India is Bengal Gazette. ठीक है, बंगाल गैजेट वॉज दी फर्स्ट न्यूज पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया. देख लो पहले क्लैट में कितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते थे. ये सारे क्लैट 2014 के क्वेश्चन है, पिछले 5-10 क्वेश्चन एटलीस्ट. बंगाल गैजेट, द चेंज इन कलर ऑफ स्टार्स इज लिंक्ड टू व्हाट? तो इट इज वेरिएशन इन देयर सरफेस टेम्परेचर. ठीक है, इसलिए स्टार्स के कलर चेंज होते हैं, जिनका सरफेस टेम्परेचर होता है ना, उस बेसिस पे. आपको भी पता होगा कि स्टार्स ना बहुत ही हॉट बॉल ऑफ लाइट होता है एक, चाहे वो कोई भी स्टार हो. मतलब जैसे सन भी एक स्टार है जो हमसे काफी क्लोज है, इसलिए हमको बहुत वो गर्म दिखता है. अदरवाइज स्टार्स और भी ऐसे स्टार्स जो सन से भी ज्यादा गर्म है. हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ द प्रेस्टीजियस ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड के फर्स्ट विनर कौन थे? सो
So it was G. Shankara Kurup. G. Shankara Kurup was the first recipient of the Gyanpith Award. Highest gallantry award of India. हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया इज द परमवीर चक्र. गैलेंट्री अवार्ड का मतलब होता है जो आपको ब्रेवरी के लिए मिलते हैं, जनरली आर्मी मैन और इन सबको जो मिलते हैं ना, उसमें से सबसे बड़ा अवार्ड इज परमवीर चक्र. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज लाइटर देन एयर? कौन सा गैस एयर से भी लाइट है? सो इट्स हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एवरीथिंग. विच ईयर वॉज डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल विमेन्स ईयर? कौन, जैसे अभी हम अलग अलग करते हैं ना, जैसे इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किया है, ऐसे अलग अलग यूएन करता रहता है, तो वैसे इंटरनेशनल विमेन्स ईयर कौन से साल को डेजिग्नेट किया था यूएन ने? सो 1975 वाज डेजिग्नेटेड एज 1975 वाज डेजिग्नेटेड एज द इंटरनेशनल विमेन्स ईयर. तो ये एक बहुत फेमस रिपोर्ट हुआ करती थी, इसमें बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए हटा दिया गया. द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? या तो उसको 2 साल पहले बंद कर दिया गया था, वर्ल्ड बैंक बनाया करता था, एंड इसके पैरामीटर्स के हिसाब से इंडिया की रैंक इसमें काफी इंप्रूव हुई थी, बिकॉज इंडिया इस रिपोर्ट को काफी फॉलो करके अपने स्टेप्स लिया करता था, बट इस रिपोर्ट को ही बाद में डिसकंटिन्यू करना पड़ा बिकॉज ऑफ सर्टेन स्कैम्स और यू कुड से सर्टेन इररेगुलरिटीज रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी, कॉमनली रिगार्डेड एज द फर्स्ट जेन्युइन हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय एन इंडियन? राज तरंगिणी, जो पहली इंडिया की हिस्ट्री जो जेन्युइन जिसको बोल सकते हो, जो कि प्रॉपरली एक इंडियन ने लिखी थी. सो इट वॉज कल्हाना. ठीक है, कल्हाना रोट राज तरंगिणी. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है इनको. अगेन तो सबसे पहले शुरू हुआ था होम रूल मूवमेंट इन 1916, देन केम द खिलाफत मूवमेंट इन 1919, देन केम द सिविल डिसोबीडियंस इन 1929-30, देन केम द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942. सो आंसर इज 3, 2, 1, 4. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इन द 18th सेंचुरी इंडियन रूलर्स हैज बीन कॉल्ड द प्लेटो ऑफ हिज ट्राइब? प्लेटो ऑफ हिज ट्राइब.
सूरजमल करके एक राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, मतलब बहुत ही ज्यादा ज्ञानी राजा हुआ करते थे। तो उनको काफी सारे राइटर्स ने प्लेटो ऑफ हिज ट्राइब बोला है। लाइजोसोम, लाइजोसोम जिसको हम बॉडी में सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनल? दिस इज बेसिक। लाइजोसोम सुसाइड बैग जिनको बोलते हैं, कौन से ऑर्गेनल में प्रोड्यूस होते हैं? सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं लाइजोसोम्स। स्निकोमीटर इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? शुड बी इजी क्वेश्चन। स्निकोमीटर कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? क्या होता है स्निकोमीटर? व्हाट इज अ स्निकोमीटर? अरे स्निकोमीटर होता है ना, जहां पर बॉल अगर टच करके जाती है तो वो आ जाती है एकदम। आजकल वो उसमें यूज करते हैं अल्ट्रा एज में, दैट इज अ स्निकोमीटर ओनली। उसको स्निकोमीटर ही तो बोलते हैं, क्रिकेट में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। Which river is called the Sorrow of Bengal? Sorrow of Bengal कौन सी river है? तो कोई रिवर को सॉरो ऑफ पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर एरिया क्यों बोलते हैं? बिकॉज उस रिवर की वजह से ना वहां पे हमेशा फ्लड आता है। बिकॉज ऑफ दैट रिवर इट फ्लड्स एवरी ईयर देयर, है ना? तो दामोदर रिवर है वहां पे, सॉरो ऑफ बंगाल। वैसे सॉरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी रिवर को, है ना? इट्स कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार। तो अलग अलग रिवर्स है, इनकी वजह से यहाँ पर फ्लड्स आते हैं। When is the national vaccination day observed? कब नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है? So the national vaccination day is observed on March 16. ठीक है, 16 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। विच कैरेक्टर ऑफ महाभारत इज डिपिक्टेड एज अ ट्रांसजेंडर? कौन से महाभारत के कैरेक्टर को ट्रांसजेंडर डिपिक्ट किया गया है? सो दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर कॉल्ड शिखंडी, इट्स अ वेरी फेमस कैरेक्टर, इज डिपिक्टेड एज अ ट्रांसजेंडर। ऑरोरे आर अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटोस्फियर विद व्हाट? अर्थ का मैग्नेटोस्फियर किस चीज के साथ में इंटरैक्ट करता है टू क्रिएट दिस समथिंग कॉल्ड ऑरोरे?
So it is the solar wind. Okay, result of interaction of Earth's magnetosphere with solar wind. Body's thermostat is in what? Thermostat का मतलब होता है जो temperature regulated रखता है हमारा. तो हमारे body का thermostat कहाँ पर होता है? So it's a part of our brain called hypothalamus. वहां पर होता है ये. Hypothalamus में होता है हमारे body का thermostat. Who among the following Indian rulers established embassies in foreign countries on modern lines? जैसे अभी present day पर embassy होती है ना अलग अलग country एक दूसरे की जगह पर. तो कौन सी Indian rulers ने establish की थी embassies in foreign countries on modern lines? First ruler ऐसा कौन था Indian rulers? So it was Tipu Sultan. Tipu Sultan started establishing embassies, जो हम presently आजकल modern lines में देखते हैं. ठीक है, embassies basically office होते हैं country की दूसरी country में. What are the temperate grasslands of South Africa called? South Africa के grasslands को कुछ एक particular word बोलते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेल्ड्स. साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड्स को वेल्ड्स बोलते हैं. फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. दिस शुड बी एन इजी क्वेश्चन आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ योर हिस्ट्री स्टूडेंट्स. तो 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री है. फर्स्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद इंडिया. So first country to establish trade relations with India was Portugal. Okay, Portugal was the first country that established trade relations with India. River Narmada ka source kya hai? What is the source of River Narmada? One of the very famous rivers in India. What is the source? Pool chal raha hai. I think phone wala chala gaya fir se. तो नर्मदा का सोर्स इज दिस अमरकंटक. ओके, नोट कर लो. अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ नर्मदा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुलर इंडिया का वो पार्ट होता है बेसिकली जो वो वाला पार्ट जो दो मतलब जैसे इंडिया पूरा अगर ऊपर से देखोगे तो गुजरात से लेके पूरा वो ईस्टर्न साइड तक हम दोनों तरफ सीज है हमारे, है ना. पूरा वो मतलब कोस्टल एरियाज है, वो सारे कोस्टल स्टेट्स हैं. तो वो जो सारे पार्ट्स होते हैं ना, ऑल ऑफ देम आर पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर स्टेट्स. तो पेनिनसुलर स्टेट्स में सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर देयर. Which amongst the following rivers flows through a rift valley? Poll chal raha hai. ठीक है, तो रिफ्ट तुंगभद्रा रिवर है इंडिया में एक. सॉरी, इसमें तुंगभद्रा रिफ्ट वैली थोड़ी रह गई. मैंने आपको सी आंसर दिया था क्या इसका? तुंगभद्रा नहीं है, तापी आंसर है. ओके, अच्छा तापी दिया था मैंने. ओके, फिर ठीक है, मुझे लगा मैंने सी दे दिया था. कूल, तापी रिवर है. ठीक है, तापी को कभी कभी ताप्ती भी बोलते हैं. तो दिस रिवर
फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली का मतलब होता है जो अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को हटके जो एरिया बन जाता है ना, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्ट वैली. विच वन ऑफ द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू? रबर इनमें से कौन से टाइप के वेजिटेशन में होता है? सो रबर बिलोंग्स टू दी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है रबर. विच ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स? इनमें से कौन सा बायो रिजर्व नहीं इंक्लूडेड है? सो मानस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायो रिजर्व है वहां पे, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दी. इंडियन सिविल सर्विस एक्ट वॉज पास ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड डैश. इंडियन सिविल सर्विस एक्ट कौन था वाइस रॉय जब वो पास की गई थी? So Indian Civil Service Act was passed during the Viceroyalty of Lord Canning. Lord Canning was the Viceroy. अभी हमने Hian Sang की बात की थी, तो Chinese traveler Hian Sang stayed in which University of India? कौन सी University में वो रहे थे? In which University did Hian Sang stay in India? So it is the Nalanda University. ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे वो. Who has written हर्ष चरित्र? A very famous treatise, हर्ष चरित्र. Who wrote हर्ष चरित्र? तो हर्ष चरित्र वॉज रिटन बाय बाणभट्ट. ठीक है, बाणभट्ट रोट हर्ष चरित्र. ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड वेयर? ब्लू माउंटेन पीक आई आस्क यू थ्री मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस, दैट्स इट. ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड वेयर? Blue Mountain Peak is located in Mizoram. Which Indian state has the longest coastline? सबसे बड़ा coastline कौन से Indian state का है? तो गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है इंडिया में 1214 किलोमीटर का. 1214 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ लगून इन द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा? काफी फेमस है ये. तो इट इज दी चिल्का लेक. चिल्का लेक इज दैट लगून. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ब्लड एंटर्स द आयोटा फ्रॉम वेयर? अगर साइंस का क्वेश्चन है,
ब्लड आयोटा से कहां पर एंटर करता है, मतलब सॉरी आयोटा में कहां से एंटर करता है? आपने ये आई थिंक 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th में प्रॉब्ली। हाँ ठीक है, द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटर होता है। सो दिस इज आवर लीडर बोर्ड, वी हैव सोनम, अंशिका, गौरांश, आकृति, नम्रता, जाह्नवी, प्रीतम, गुरुशी, रितिका एंड नीरज। तो हमारा फाइनल लीडर बोर्ड था। आई विल सी यू अगेन इन 15 मिनट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, हैव अ गुड डे।